अरे हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग खेलने वाले हैं मिथ पेट ग्रैनी। अरे पपीता भैया, वो मिथ पेट ग्रैनी नहीं, वो मिथिला ग्रैनी है। अरे लेकिन मिथ पेट और मिथिला दोनों एक ही तो है। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, मिथ पेट अलग है और मिथिला अलग है, समझे तुम? हाँ, अगर तुम्हारा मिथ पेट और मिथिला हो गया हो तो हम गेम चालू करें। हाँ तो रोका किसने? अरे ये देखो, हम आ गए हैं मिथिला ग्रैनी में। लेकिन मुझे तो यहाँ पे बहुत डर लग रहा है, यहाँ पे तो बहुत अंधेरा है। तो भैया आप तो सही कह रहे हो, वैसे ये मिथ पेट का घर कितना डरावना है। अरे बच्चों, ये मिथिला का घर, यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे मिथिला तुम देखना, हम यहाँ से निकलेंगे और जरूर निकलेंगे। अरे हाँ, बस बस इतने जोश से मत बोल, कल को जोश में होश मत खो दियो तू। अरे वैसे हमें इस घर में से निकलने के लिए करना क्या होगा? अरे इसमें ना हमें यूट्यूब के प्ले बटन ढूंढने हैं। अरे प्ले बटन ढूंढना तो बहुत आसान है। अच्छा तेरे को इतना आसान लग रहा है प्ले बटन ढूंढना, चल अब तू ही ढूंढ, इससे ढूंढवाएंगे ना सारे प्ले बटन। अच्छा तुम्हारे ये मजाल, मेरे घर से प्ले बटन चुराओगे? अरे यार दोस्तों, ये तो मिथिला बहुत पावरफुल लग रही है, ये तो हमें अपने घर में टिकने भी नहीं दे रही है। अरे कैसे टिकने देगी, ये तो ग्रैनी से भी दोगुना पावरफुल है। अरे लेकिन तुमने सुना नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो इसलिए हम कोशिश कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अरे लेकिन बच्चों, मेरे घर में कोशिश करना बहुत बेकार, इसलिए पतली गली से निकल लो तुम लोग। अरे मिथिला ग्रैनी, ये बात याद रखना, हम यहाँ से कभी भी नहीं निकलेंगे, यहाँ से हम प्ले बटन ढूंढ कर ही जाएंगे। अरे हाँ यार, ये कुछ ड्रॉवर मिले, चलो ड्रॉवर्स में चेक करते हैं, काश यार भगवान प्ले बटन निकल जाए। अरे यार इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे दिमाग की तरह खाली है। हाँ मोटे गोरिल्ले, और तेरे पेट की तरह भी। अरे किसी ने कुछ कहा क्या अभी? मैं बताती हूँ किसने क्या कहा। अरे यार हम लोग अगर ऐसे खेलेंगे तो हम किसी जन्म में भी इस घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, सबर रखो, सबर का फल मीठा होता है। अरे कोई इस संत बाबा को समझाओ यार, यहाँ पे सबर नहीं चलता, यहाँ पे अगर मिथिला ग्रैनी ने एक और डंडा मारा ना तो सीधा ऊपर पहुँच जाएंगे हम लोग। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकलना है, कैसी भी हालत में निकलना है। अरे लेकिन अभी तक हमें कोई एक भी प्ले बटन नहीं मिला, अभी हमें 8 सिल्वर प्ले बटन ढूंढने हैं, और एक डायमंड भी, और एक गोल्ड भी। यार तुमने सही कहा, अरे ये क्या, ये तो मिथ पेट की फोटो लगा रखी है। आओ आओ, तुम्हें मार के तुम्हारी भी फोटो लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं ग्रैनी, हमें ही मरने का शौक नहीं है, लेकिन लगता है इस मोटे गोरिल्ले को मरने का शौक है। पता नहीं कौन कुसुर पुसुर कर रहा है, यहाँ तो मेरे कान बज रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे जी हाँ, तुम्हारे कान ही बज रहे होंगे, तुम्हारे बारे में आखिर कौन कुसुर पुसुर कर सकता है यार। हाँ ये बात भी तुमने सही कही है। अरे आप लोगों का बकवास हो गई है, तो चलो जल्दी से हमें प्ले बटन ढूंढने हैं, जल्दी से कोई प्ले बटन ढूंढने का आइडिया ढूंढो। अरे इसमें आइडिया क्या ढूंढना है, ये देखो सामने ड्रॉवर्स हैं, इन ड्रॉवर्स में जरूर हमें कुछ मिलेगा। अरे उसमें तो कुछ नहीं था, चलो इस वाले में देखते हैं। अरे वाह, ये मिल गया हमें पहला प्ले बटन, तो चलो इसको उठा लेते हैं। अरे लेकिन अभी हमें 7 और सिल्वर प्ले बटन ढूंढने हैं, और एक डायमंड और एक गोल्ड, हालत खराब होने वाली है। अरे लेकिन हमने एक ढूंढ लिया है तो हम और भी ढूंढ लेंगे, तुम लोग चिंता मत करो। अरे चलो, हमें यहाँ से एक बटन मिल चुका है तो हमें दूसरा यहाँ से नहीं मिलेगा। अरे हाँ यार जान, तुम सही कह रहे हो, मैं तो वाला ड्रॉवर भी खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ से तो हमें कुछ मिला ही नहीं। अरे चलो ये वाला गेट खोल के देखते हैं। अरे लेकिन ये वाला गेट ऐसे नहीं खुलेगा, इसके लिए हमें की चाहिए होगी। अरे दोस्तों ये देखो, तो यहाँ पे तो बाथरूम भी है। अरे तो बाथरूम का क्या करें, किसको पोटी लगी है? लगता है स्नोबिता को लगी है, डर के मारे सुसु पोटी दोनों साथ में निकल गया होगा। अरे चलो यार, ये तो कोई खुफिया रूम लगता है, बस यार ये खुल जाए। अरे शिट यार, इसमें भी की चाहिए। अरे लगता है ये हमारी तो किस्मत ही खराब है। अरे हाँ यार, कुछ ऐसा ही समझ ले। चलो इस दुख भरी दस्ता पे मैं एक गाना गाता हूँ। अरे दुखी है आसमान, आज दुखी है पूरा आसमान, और हमें नहीं मिल रहा है कोई भी प्ले बटन। अरे ओ मेरे अरिजीत सिंह, अरे मेरे भाई तू गाने मत गा, तेरे गाने के चक्कर में वो उठ गई। हाँ अगर वो नहीं उठी होती तो हम उसके उठने से पहले यहाँ से प्ले बटन लेके भाग जाते। अरे सॉरी सॉरी, मुझे लगा मेरे गाने से थोड़ा दुख भरे माहौल और दुख भरा हो जाएगा। यार तू जब भी बात करता है ऐसा लगता है मुँह से पाद ही निकल रही है। अरे क्योंकि मैं खाता हूँ खाना और पाता हूँ थोड़ा सना सना सना। अरे दोस्तों तुम लोग ये मस्ती करना बंद करो, हमें जल्दी से प्ले बटन ढूंढने हैं और यहाँ से निकलना है। अरे वो तो मुझे भी पता है यार, लेकिन प्ले बटन हमें मिल का रहे हैं। अरे ये देखो, मुझे दूसरा प्ले बटन भी मिल गया। प्ले बटन उठाने से पहले शक्ल देख क्या इन्हें में।
अरे ये मिथिला ग्रहणी ने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अरे बेइज्जती तो छोड़ो, हमारे प्ले बटन भी ले लिए, अब हमारे पास वापस से जीरो प्ले बटन है। अरे हम प्ले बटन वापस ढूंढ लेंगे। अरे ये देखो, मिथिला ने तो अपनी फोटो दीवार पर चिपका रखी है। अरे वो मिथिला ने नहीं, ग्रहणी ने चिपकाई है। ग्रहणी ने मिथिला के ऊपर कब्जा कर लिया है। हाँ, तभी तो वो पागलों की तरह हमारे पीछे पड़ी है, क्योंकि ग्रहणी तो हमारी जानी दुश्मन है। अरे यार, जानी नहीं खानदानी दुश्मन है। अरे वाह दोस्तों, देखो हमें एक और प्ले बटन मिला। अरे हाँ, तुम देखना, इसी तरीके से हम सारे प्ले बटन ढूंढ लेंगे और यहाँ से निकल भी लेंगे। अरे आप फिलहाल ये वाला प्ले बटन लेके यहाँ से रफा दफा हो जाते हैं, वरना वो मिथिला ग्रहणी वापस से ना आ जाए। चलो खोज करते हैं और भी प्ले बटन की। अरे पर मुझे तो लग रहा है कि हम यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। तुम्हारी शक्ल मनुष्य है, तो क्या तुम मनुष्य वाली बातें करोगे? सही दोस्तों, अब हम इस ग्रहण में से जरूर निकलेंगे। चलो यहाँ से ये प्ले बटन ले लेते हैं। अरे लेकिन हमें एक प्ले बटन से क्या होगा, अभी तो हमें और भी प्ले बटन चाहिए रहेंगे। और हाँ, तुमने वो कहावत नहीं सुनी क्या, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अरे यार, इनको यहाँ पे कहावत याद आ रही है, हमें इस घर में से बाहर निकलना है यार। और एक तो मुझे मेन गेट भी तो नहीं दिख रहा। अरे हाँ, जहाँ से हम लोग बाहर निकल पाए, हमें तो मेन गेट भी नहीं मिला है अभी तक। अरे मुझे तो लगता है हमें प्ले बटन मिलने के बाद ही मेन डोर मिलेगा। अरे ये लगता है ये मेन डोर। अरे लेकिन इसके लिए तो की भी चाहिए, और इसके लिए हमें सारे प्ले बटन भी कलेक्ट करने होंगे। अरे चलो मिथिला ग्रहणी से एक डील करते हैं। अरे बोलो बोलो, क्या डील है, क्या डील है? अरे मिथिला ग्रहणी, तुम बस हमें यहाँ से जाने दो, उसके लिए हम तुम्हें 150 रुपए देंगे। अरे 150 से बात नहीं बनेगी, कम से कम 200 तो लगेंगे। 200? अरे भाइयों, तुम्हारे पास कितने कितने पैसे हैं? अरे मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं। और मेरे पास सिर्फ 15 रुपए हैं। अरे मेरे पास तो 100 रुपए है, लेकिन मुझे चोको चिप खरीदनी है, मैं नहीं दूंगा। हाँ तो बच्चों, अगली बार आना पूरे 200 रुपए लेके। अरे तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ यार, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं, तो यार फटाफट से नीचे कमेंट कर दो। चलो गाइस, हम लोग मिलेंगे आपसे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।